में आ गए 14, 13 लोग, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12 सर। 12 लोग हैं। जस्ट मिनट, कौन है? अश्विनी, हर्षा, जयंत, ज्योति, कीर्ति, मीनल, मुस्कान, साक्षी, श्वेता, सोनल, सुहाना और तेजस्विनी। थोड़ा बता सकते हैं कौन कौन नहीं है? हेलो, कौन नहीं है बता सर सकते? अजरा, 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 अनिकेत, अनिकेत, अजरा, हाँ, सागर, सागर और कौन नहीं है? अंकिता, दुर्गेश्वरी। दुर्गेश्वरी। हाँ, दुर्गेश्वरी तो हमेशा रहती है। और कौन नहीं है? सर हो रहे हैं जॉइन। ज्वाइन हो रहे हैं ना? 14 हो गए, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 14 हो गए। ठीक है, तो अजरा और काजल ज्वाइन हो। हाँ अजरा और काजल ज्वाइन हो रही। ओके, ठीक है, काजल हो गई है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? यस सर, ओके ओके। क्लासरूम पर मैंने यस कल सर, कुछ एक नोटिस पोस्ट किया, अभी दिख रही नोटिस? हेलो, यस सर, क्लासरूम पर शायद आप सभी लोगों ने क्लासरूम पर कल जो मैंने पोस्ट की थी वो देखी होगी। क्लासरूम पर मैंने एक नोटिस प्लेस की थी, दैट इज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और जस्ट मिनट, शायद मैंने कल आप लोगों से ये शेयर किया था क्या, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन? यस सर, हाँ, तो आप यस सभी लोगों ने यस नोटिफिकेशन सर, देखा है। हाँ सर, आई हाँ सर, थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू नोटिफिकेशन। यस एंड टुडे ऑनवर्ड्स अप टू नेक्स्ट वीक, दैट इज अप टू 13th, व्हाट एवर लेक्चर्स अलॉटेड टू मी, इंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ मंडे, वेंसडे एंड आई थिंक फ्राइडे, दैट इज यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। आप सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ सर, यस सर, ओके ओके। तो क्या आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा है? प्रैक्टिकल का सेमिस्टर 3 का सिलेबस क्या है, देखा है? हेलो, हाँ सर, सो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है? हेलो, यस सर, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा एनलार्ज करता सो दैट इट इज इजी टू गो थ्रू इट। क्या आप लोगों को सिलेबस दिख रहा है प्रैक्टिकल का अभी स्क्रीन पर? यस सर, ओके, यस सर, जस्ट मिनट, कितने लोग हैं? 17, मतलब 15 लोग हैं। ओके, तो एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, योर प्रैक्टिकल एग्जाम इज सपोज टू बी कंडक्टेड बिटवीन 8th to 20th मार्च। अनफॉर्चुनेटली आई नो दैट वी आर अनेबल टू कंडक्ट एनी ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव शोन यू ऑनलाइन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ड्यूरिंग थेरी लेक्चर आई हैव शोन यू मेनी मोर स्पेसिमेंस वर्चुअली एज वेल एज सम ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल पीडीएफ विच आर शेयर टू यू, दैट इज रिलेटेड टू अवर थेरी। एंड इन दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स और फोटोग्राफ्स आई थिंक यू माइट हैव ऑब्जर्व, बट यू माइट बी नोन योर सिलेबस फॉर दिस पेपर इज एंटायरली चेंज फ्रॉम लास्ट सेमिस्टर, दैट इज थर्ड सेमिस्टर ओनली, एंड सो इट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट फॉर अस टू कंप्लीट ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स और कंडक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर स्टिपुलेटेड टाइम बोल रहे हैं तो भी अपने पास सिर्फ और सिर्फ अगला हफ्ता है, जिसमें अपने पास 4 थ्योरी है एंड वी हैव टू कंडक्ट इट विद इन अवेलेबल शॉर्टेस्ट टाइम।
हो सकता है मैं कभी 2 बजे के बाद में अगले हफ्ते में एक बार कम से कम मुझे आपका क्लास रखना पड़ेगा, मैं अगले लेक्चर में आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। हेलो यस सर, मैं मंडे के लेक्चर में आपको 2 बजे के बाद का लेक्चर कब रखना है डिटेल्स दे दूंगा, उस दिन हम देखेंगे। और आप, मैंने जैसे अभी बताया, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 4 जो लेक्चर्स अपने, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। आई नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल विद इन जस्ट 4 आवर्स और 8 आवर्स, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑफ अबाउट 12 प्रैक्टिकल्स और मैक्सिमम 48 आवर्स, बट आई एम ऑल्सो हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट कंडक्ट इट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट वट एवर टाइम पीरियड अवेलेबल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू एंड डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स। सो वन बाय वन वी शुड गो फर्स्ट टू अवर सिलेबस रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सिलेबस, at least 50% of the practicals, and in what way we are going to conduct the examination of practical related to angiosperm as well as your another, that is ecology. I think your ecology practicals will also start, online practicals will start from this week or next week. Details will be given to you by concerned teacher. Out of your 3P1, that is first practical, which includes ecology, plant conservation and angiosperm 2. So today we are discussing with part related to angiosperm 2. इसमें पहला practical दिया है, आप लोग सुन रहे हैं सभी? Yes sir. Yes sir. मैंने जो बताया आपको clear है, 48 hour का practical मैं 8 ज्यादा से ज्यादा period में लेने वाला हूँ, it is not possible. And definition of practical itself, it gives idea that you have to perform the activity. But due to pandemic situation and availability of time, as per timetable received to me from department, I have to complete it whatever maximum possible. मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपके पूरे practical होंगे. I agree that it is not possible to complete it within stipulated 8 hours. लेकिन हमें यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी करना है, यू शुड बी आल्सो हैव एटलीस्ट सम आइडिया रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल। और पहला प्रैक्टिकल जो इसमें हमारा है, टोटल वी हैव टू गो थ्रू 8 प्रैक्टिकल्स एंड आउट ऑफ दिस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 70% प्रैक्टिकल कंप्लीट करना जरूरी रहता है, दैट इज अबाउट 5.6 और 5 और 6 प्रैक्टिकल्स। अभी हम वन बाय वन पूरे डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर रिप्रेजेंटेटिव लोकली अवेलेबल फैमिलीज, इज इट क्लियर? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन मीन्स टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन which represent locally available families. Locally available families जो है उनका description यानी plants का description. I think large number of plants available locally. I am going to give you list of some plants which are locally available at present. क्या आप लोगों ने Brassica campestris या mustard देखी है? Yes sir. अभी आप लोगों में से, आप 20 लोग हैं करीबन, तो उसमें से कितने लोगों को मस्टर्ड का प्लांट मिल सकता है लोकली अवेलेबल एरिया में? मुझे मिल, एक मिनट, आपके नाम के साथ बता दो सर। मोहिनी रांगडाले। एक मिनट, मोहिनी, हाँ मोहिनी मस्टर्ड मिल सकता है। और कोई है? Anybody? Okay. और कोई भी नहीं है शायद। चलो नेक्स्ट प्लांट बताता हूँ, हिबिस्कस। Yes sir. हाँ, yes sir. हाँ बताओ किस किस को अवेलेबल है हिबिस्कस, बताओ। सर अश्विनी, अश्विनी सर, ज्योति सर, सोनल, हर्षा कुल्लारे,
जस्ट मिनट, ज्योति मतलब ज्योति निनावे, ज्योति निनावे यस सर, हाँ सोनल और सर हर्षा कुल्लारे, यस सर काजल और सर मुस्कान, मुस्कान चलो और चलो नेक्स्ट कौन है अवेलेबल, ज्योति सोनल हर्षा काजल मुस्कान और कौन है, कोई है सर अश्विनी, अश्विनी सर हाँ और जगंत ओके चलो ठीक है, हिबिस्कस इतने लोगों को अवेलेबल है, नेक्स्ट कोरिएंडर सटावम, कोरिएंडर सटावम मतलब धनिया अनिकेत, अनिकेत हाँ ओके थम्मा मोहिनी अनिकेत साक्षी और कोई है सागर, सर सागर सर हर्षा कोल्लारे मीनल, हर्षा और मीनल, मीनल और सर सुहाना, सर सागर भी है सुहाना सागर, जयंत 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 है क्या सर, कोरिएंडर अवेलेबल है हो जाएगा आपको, कोरिएंडर भी है हिबिस्कस भी है सर ओके जस्ट जस्ट मिनट, जयंत कोरिएंडर और ये दोनों भी है अच्छा ओके और कोई है कोरिएंडर अवेलेबल, चलो ठीक है नेक्स्ट प्लांट बताता हूँ, अभी मेरे पास नाम कितने आए हैं शायद हो सकता है किसी का रिपीट भी होगा, कम से कम एक प्लांट तो आपको मालूम होना जरूरी है इतना ध्यान में रखो, मोहिनी ने मस्टर्ड बताया है, अश्विनी ने, अश्विनी ज्योति सोनल हर्षा काजल मुस्कान जयंत इन लोगों ने हिबिस्कस बताया है, फिर अनिकेत मोहिनी जस्ट आप बता दो, कोरिएंडर के लिए अनिकेत मोहिनी हर्षा मीनल सुहाना सागर और जयंत इन लोगों को कोरिएंडर अवेलेबल है, अभी बताओ किसी का नाम बचा है तो इन तीनों प्लान के लिए, सर श्वेता कोरिएंडर के लिए खेले है, एक मिनट श्वेता के लिए कोरिएंडर है, श्वेता सरनेम नगराले, अच्छा नगराले और कोई है सर अजरा, अजरा के लिए भी कोरिएंडर है हिबिस्कस सर, अच्छा अजरा हिबिस्कस ओके सर, कीर्ति हिबिस्कस, हिबिस्कस किसके लिए बोले साक्षी, कीर्ति और साक्षी सर, सर कीर्ति और साक्षी हिबिस्कस, कीर्ति कीर्ति मतलब कीर्ति मोहुरले, मोहुरले मोहुरले ओके ओके चलो तो करीब हाँ हाँ बोलो सर, रुचिका, रुचिका हिबिस्कस हाँ, और कोई है सर तेजस्विनी, तेजस्विनी हिबिस्कस हाँ सर, और सांबार भी है नहीं सर ओके ओके ठीक है, और कोई बचता सर, है दुर्गेश्वरी, सर दुर्गेश्वरी कोरिएंडर के लिए बोल रहे हैं ओके दुर्गेश्वरी, और कोई है चलो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बताता हूँ, ट्रायडेक्स शायद सभी को मिल सकता है, अभी कोई ऐसा है जिसने ऊपर के तीनों कमिटी में नाम नहीं बताया ऐसा बचा है, चलो ट्रायडेक्स के लिए सर ज्योति, हाँ सोनल ज्योति, ज्योति सोनल हाँ उसके बाद अपना जयंत अवेलेबल है, जयंत नहीं सर ये नहीं है अवेलेबल है ट्रायडेक्स, ओके ट्रायडेक्स नहीं है, और किसी को ट्रायडेक्स अवेलेबल है, चलो ठीक है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा रुई सर कीर्ति ओके और सर हर्षा सर मीनल,
कीर्ति मीनल काजल काजल हर्षा और कोई बता दो कैलोट्रॉपिस सर सागर ज्योति सर ज्योति सर सागर ज्योति सागर सर अश्विनी साक्षी ज्योति अश्विनी चलो ठीक है अभी मुझे लिस्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे पता चल गया कि ये तीन प्लांट कॉमनली अगर ले लिए तो आपका हो सकता है एक हिबिस्कस दूसरा मैंने बताया था कोरिएंडर और तीसरा ट्राइडेक्स और कैलोट्रॉपिस ये तीन चार प्लांट अगर ले लिए तो आपका पहला प्रैक्टिकल जो है इसमें से बहुत सारे फैमिली हो सकते हैं इसके बावजूद और फैमिली कौन से बचते हैं वो मैं बताता हूँ धतूरा धतूरा बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी हो सकता है आप लोगों में से जिनको धतूरा प्लांट अवेलेबल है वो धतूरा लेकर मतलब धतूरा कर सकते सोलेनेसी फैमिली चलो हिपोन बीएससी में बताओ थोड़ा रिसिनस किसी को अवेलेबल है रिसिनस केरंडी कैलोट्रॉपिस ओके इपोरबिया हिरटा जेनिकुलेटा यस सर यूफोरबिया मिल जाएगा ओके इपोरबिया मिल जाएगा चलो अभी मेरे लिए सबसे जरूरी जो है दैट इज ट्रिटिकम किसी को अवेलेबल है व्हीट व्हीट यस सर ओके तो व्हीट भी अवेलेबल है चलो मैंने अभी सिर्फ आइडिया ले ली कि व्हिच प्लांट्स आर अवेलेबल विथ यू अभी हम क्या करेंगे हो सकता है मैं भी ये प्लांट लाने की कोशिश करता और नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब मैं उन प्लांट के टैक्सोनॉमिक अप्रोचेस जो है वो डिस्कस करूंगा आपसे मटेरियल मतलब रीडिंग मटेरियल शेयर करता हूँ और फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला दैट आल्सो विल बी शेयर टू यू तो आपके लिए क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ मंडे को इसमें से आपने जो जो प्लांट बताए या मैं फिर से चाहे तो आपके लिए ये रीड करूंगा इसमें से प्लांट्स लाके रखो मंडे को अपना क्लास कितने बजे है हेलो मेरी आवाज आ रही 10:30 का है या 11:30 का है मंडे का 11:30 सर ओके तो मंडे के 11:30 के क्लास में हम ये फैमिली का प्रैक्टिकल जो है वो ले लेंगे मैं फिर से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लांट आपको घर में लाके रखना है उसकी मैं लिस्ट आपको बाद में फाइनली बता देता हूँ और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है ये भी साथ में बताता हूँ क्या आप लोगों में से किसी के पास प्रैक्टिकल बॉटनी वॉल्यूम 2 एक तो बेंद्रे कुमार का नहीं तो बीपी पांडे का है मेरे पास वॉल्यूम 1 है सर ओके वॉल्यूम 2 किसी के भी पास नहीं है नो सर थी बट लाइब्रेरी में ओके चलो चलो मैं नेक्स्ट बात बताता आपको और आपका काम आसान करता मैंने एक आप लोगों से बुक शेयर किया था सिस्टमेटिक बॉटनी का गुरुचरण सिंह का यस सर उसमें से आप इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन देख सकते फोटोग्राफ भी देख सकते नहीं तो और भी एक बात मैं आपको बताता हूँ मैंने और एक बुक आपसे शेयर किया था शायद सिस्टमेटिक बॉटनी करके था या हचिनसन का एंजियोस्पर्म का बुक था जयंत जयंत हाँ सर है मेरे पास एक हचिनसन का बुक मैंने शेयर किया था उसमें भी बहुत सारे आपको ये प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन या डायग्राम्स मिलेंगे अगर आपके पास ई कॉपी है तो आप वही ई कॉपी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो ठीक है हाँ सर हाँ ओके तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिकल ऑन द मंडे मैं फिर से बताता हूँ पहला प्रैक्टिकल जो है जिसमें अलग अलग फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन लेना है ये डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने अभी आप लोगों से प्लांट बताई वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस प्रैक्टिकल ऑन मंडे 11:30 एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रोक्योर दिस प्लांट एट योर होम और एट योर रेसिडेंस सो दैट वन बाय वन वी कैन हैव मैं संडे को भी लिस्ट आपको शेयर कर सकता हूँ कौन कौन से प्लांट लाके रखना है सेम प्लांट मैं मेरे यहाँ लेके आऊंगा और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे चलो तीन बुक मैंने आपको बताया था एक मैंने बताया था प्रैक्टिकल बॉटनी वॉल्यूम 2 बेंद्रे कुमार का ऑनलाइन भी आप लोग सर्च कर सकते नहीं तो प्रैक्टिकल बॉटनी वॉल्यूम 2 बीपी पांडे का
और इसके साथ साथ मैं आपको तीसरा बुक बताया था कि जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, दैट इज गुरुचरण सिंह का प्लांट सिस्टमेटिक्स, और एक जयंत शेयर करेगा दैट इज हचिनसन का बुक। इन चारों बुक्स को सामने रखकर हम जो भी प्लांट मैं आपको संडे को शेयर करूंगा या सैटरडे को कल शेयर करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन अपने पास निकाल के रखना है। अभी हम फैमिली डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, हम उस प्लांट के सपोज फॉर एग्जांपल अगर ट्राइडेक्स है तो ट्राइडेक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैमिली एस्टरेसी, अगर हिबिस्कस लाते हैं तो हिबिस्कस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैमिली मालवेसी। तो ऐसे हम 5-6 जितने भी अवेलेबल है वो मंडे और वेंसडे के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे साइमल्टेनियसली। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों से? यस सर। मतलब आपको मंडे को प्रायर टू लेक्चर प्लांट्स लाके अपने पास रखना है। दूसरी बात, आपके पास रीडिंग मटेरियल सॉरी राइटिंग मटेरियल स्केचिंग मटेरियल आपके पास रखना है। हो सकता है आपको कुछ कैरेक्टर लिखना है जरूरी, तो वो भी आप साथ में कर सकते। देन सेकंड प्रैक्टिकल, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, इट इज अ कलेक्टिव एक्सरसाइज। मैं आपको फिर से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, मतलब एक ही फैमिली के 4 प्लांट 5 प्लांट 6 प्लांट इनको साथ में रखकर हम इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं। आपके ध्यान में आया? यस सर। अब इसके लिए हमारे पास एक ही फैमिली के 4 प्लांट्स लगेंगे। हो सकता है अपने पास एस्टरेसी अमरांथेसी या इफोरबियसी इन फैमिली के 4-4 प्लांट्स मिलने की अभी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको चारों प्लांट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में कौन से ला सकते हैं वो बताएंगे, और जब ये प्रैक्टिकल हम लेंगे तो वो चारों प्लांट आप अपने पास रखो। इसके लिए आपको फिर से वही प्रैक्टिकल के बुक और कल मैंने कुछ आपसे ई फ्लोरा शेयर किए उन फ्लोरा की जरूरत है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ इमीडिएटली जाता। मैंने सेकंड प्रैक्टिकल के लिए आपको बताया अमरांथेसी एस्टरेसी इफोरबियसी इन फैमिली में से हर फैमिली के 4 या किसी एक फैमिली के 4 प्लांट की जरूरत है सेकंड प्रैक्टिकल के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। अगर चाहे तो फिर से लिख के रखो अपने पास, सेकंड प्रैक्टिकल के लिए हमें अमरांथेसी एस्टरेसी या इफोरबियसी के 4 प्लांट्स चाहिए। मैं कौन से लाना कैसे लाना इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इनका क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन वेरियस स्पेसिमेन टू स्टडी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, इन बिटवीन स्पेसीज वेरिएशन क्या है। आ रहा है ध्यान में? एक ही फैमिली के 4 प्लांट चारों प्लांट में वेरिएशन क्या है ये देखना है। मतलब कोई क्लाइंबर है, कोई ट्री है, कोई हर्ब है, सपोज किसी के फ्लावर येलो कलर के, किसी के रेड कलर के, किसी में कोई पिक्यूलैरिटी है, वट एवर इट मे बी। इज इट राइट? यस। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिकल जो अपना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ अ जीनस, एक ही जीनस के 4 स्पेसीज, लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर क्या है। मतलब एक ही जनरा के, जैसे सपोज ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस, ब्रासिका नैपा, ब्रासिका नाइगर और कोई एक ब्रासिका पोलरेस, या 4 स्पेसीज के आपके पास फ्लावर है, चारों की भी समझ लो कि स्पेसीज जनरा एक ही है, तो उसमें से की कैरेक्टर आपको ढूंढना है कि विच इज द की कैरेक्टर ऑन बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑल द 4। आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे समझ लो आपके क्लास में जयंत है, उसके बाद अनिकेत है, उसके बाद और कौन है, तीसरा सागर है, ये तीनों एक ही क्लास के हैं। अब इन तीनों को आपको डिस्क्राइब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ अ जीनस, एक ही जीनस की चाहिए। जैसे मैंने 3 नाम एक ही क्लास के बताए, लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर, कौन से की कैरेक्टर के आधार पर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते, ठीक है। तो अब इन तीनों के अगर कैरेक्टर देखेंगे तो मैं बोलूंगा कि सपोज फॉर एग्जांपल हमेशा हर क्लास में जो प्रेजेंट रहता है वो जयंत है, दैट इज की कैरेक्टर। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने सागर के बारे में बताया, बोलता ना जो सगळ्यात जास्त गडबड करेल तो सागर, लक्षात येते मी की कैरेक्टर काय म्हटलं? यस सर।
म्हणजे बोलताना फास्ट बोलतो सागर आणि तिसरा अनिकेत मधून मधून कधीतरी प्रेझेंट असतो तो अनिकेत. अभी इतने सारे उनके कैरेक्टर के बीच से मैंने सिर्फ एक 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 कैरेक्टर लिया कि व्हिच इज डिस्टिंग्विशिंग टू ऑल दीज थ्री और फोर. मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने ये तीनों के ही नाम लिए, इसका मतलब मैं तीनों के बारे में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल सो दैट यू हैव आइडिया हाउ फोर स्पेसीज ऑफ अ सेम जीनस एंड वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश इट्स की कैरेक्टर. बात ध्यान में आ रही है? तो इसके लिए हमें एक ही फैमिली के चार प्लांट चाहिए. जैसे ऊपर हम एक ही फैमिली के चार ले रहे, लेकिन यहाँ एक ही जीनस के चार प्लांट चाहिए. ये डिफरेंस है दोनों में. उसके बाद देखो लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर एंड यूज ऑफ कीज एट फैमिली लेवल. की कैरेक्टर का लोकेशन करना और फैमिली के लिए की कैरेक्टर ढूंढना, फैमिली लेवल की ढूंढना. अब इसके लिए आपको सबसे जरूरी जो है, अगर चाहे तो लिख के रखो, फ्लोरा ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाय टी कुक. मैंने क्लासरूम पर आप लोगों से अलग अलग फ्लोरा कल शेयर किए थे. इज इट राइट? यस सर. इसमें से अगर आप देख सके तो देखो मैंने कौन कौन से फ्लोरा आपसे शेयर किए थे. जस्ट मिनट, मैंने आप लोगों से फ्लोरा इंडिका वॉल्यूम, जस्ट मिनट, देखो मैंने फ्लोरा इंडिका वॉल्यूम वन रॉक्सबर्गी का, उसके बाद फ्लोरा इंडिका वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री, ये तीनों भी शेयर किए. इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस. उसके बाद फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया का वॉल्यूम वन और टू मैंने शेयर किए. ये दोनों भी वॉल्यूम आपके थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल के लिए जरूरी है. इन प्रैक्टिकल में इन फ्लोरा को खोल के उसमें से आइदर E4BSE या Amaranthaceae या आपके सामने में, जस्ट मिनट, आप लोगों को बताने से मैं ही यहीं से आपको फ्लोरा निकाल के दिखाता हूं. क्या इमेज शेयर हो रही है? यस सर. जस्ट मिनट, हम इसमें से डाउनलोड होने दो उसको. हम जैसे ही डाउनलोड होगा, जस्ट मिनट, नहीं तो यहां से डाउनलोड करने से मैं आपको मेरे पास जो अवेलेबल है उसमें से फ्लोरा दिखाता हूं. जस्ट मिनट. फ्लोरा लिया क्या मैंने कल? ओ, इसमें फ्लोरा नहीं है, फ्लोरा मेरे दूसरे इसमें रहा. जस्ट मिनट. हाँ, यहाँ ओपन हो गया है. इमेज दिख रही? यस सर. हाँ, इसमें से हम फैमिली क्रूसीफेरी निकाल लेते. जस्ट मिनट, अभी फाइंड कर सकते क्या? देखते फैमिली क्रूसीफेरी. क्रूसीफेरी नहीं है, ब्रासी कैसे देख लेते. ब्रासिकेसी भी नहीं दिखा रहा है. जस्ट मिनट, ब्रासिका चंद्रा डाल देते. यस, अभी डाउनलोड होने के लिए टाइम लग रहा है. पेज नंबर 143 पर शायद ब्रासिकेसी फैमिली है. नहीं, डाउनलोड के लिए टाइम ले रहा है. हाँ, यस, ट्राइब ब्रासिसी, यहाँ ट्राइब तक आए. नेक्स्ट, एक सेकंड, 143, एक मिनट, ब्रासिका BRASICA, ब्रासिका 143 पे हमें देखना नहीं है. नेक्स्ट देख लेते कहाँ है. 166, अभी भी 166 तक आए नहीं है. डाउनलोड नहीं हुआ. जस्ट
यस अभी दिख रहा है आपको? हेलो हेलो यस सर ट्राई ट्राई फाइव ब्रासी केसी इसमें की कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको? देखो पॉड्स शॉर्ट और लॉन्ग, पॉड शॉर्ट है या लॉन्ग है? कॉटिलेडॉन लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड और डीपली ग्रूड, लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड है नहीं तो डीपली ग्रूड है। पॉड लॉन्ग, यहाँ कैरेक्टर देखो पॉड लॉन्ग पॉड शॉर्ट टर्जिड, सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली एज पर फ्लोरा। तो हमें ये एक देखना है, जस्ट अ मिनट, हम यस हम डिस्कस कर रहे थे योर प्रैक्टिकल नंबर 4, इज इट राइट? यस सर। हाँ अब इस प्रैक्टिकल के लिए अगर दूसरा कोई अल्टरनेटिव है तो मैं प्रैक्टिकल जस्ट जिस दिन लेंगे उस दिन पहले मैं आपको मटेरियल शेयर करता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 दैट इज फील्ड ट्रिप विथ एंड अराउंड द कैंपस, कंपाइलेशन ऑफ फील्ड नोट एंड प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम सीड्स ऑफ सच अ प्लांट वाइल्ड और कल्टिवेटेड एज अबंडेंट। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इन दिस प्रैक्टिकल इट इज एक्सपेक्टेड दैट फील्ड ट्रिप विथ एंड अराउंड द कैंपस, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जहां है वहां आपके एरिया में जो भी प्लांट्स है उनका आप फील्ड नोट बना सकते हैं। इसके लिए फील्ड नोट कैसे बनाते हैं मैं एक सैंपल फील्ड नोट का आपको बाद में अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पर, और आप अपने एरिया में जो भी प्लांट्स है उसकी फील्ड नोट 5-10 प्लांट की बना के क्लासरूम पर ही बाद में अपलोड करो, सो दैट वी कैन गो थ्रू इट। जो भी अपने एरिया में अपने आजू बाजू में प्लांट्स है उनके फोटोग्राफ हो उनकी डिस्क्रिप्शन हो बना के आप फील्ड नोट बना के अपलोड कर सकते, दैट इज ऑल्सो योर क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड, जब आप जर्नल सबमिट करते रिकॉर्ड सबमिट करते वैसे आपको ये फील्ड नोट 10 प्लांट का सबमिट करना है। बात ध्यान में आ गई? यस सर। मैं 10 प्लांट का फील्ड नोट के लिए फील्ड नोट कैसे बनाते इसके डिटेल्स में आपको भेजता हूँ अगले हफ्ते में। आपको आपके एरिया में जो भी 10 प्लांट अवेलेबल है उसकी फील्ड नोट बनाना है, उसमें उसका फोटोग्राफ इंक्लूड करो, चाहे तो आप पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हैं, नहीं तो ई कॉपी भी बना के भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हाथ से ही लिखिए, आप एक फील्ड नोट बना के नोटबुक बना के मुझे भेज दो। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द टैक्सोनॉमी ऑफ सम एप्रोप्रिएट जनरा। चलो कोई बता सकता है व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? यस सर। हाँ क्या है सर? फिनॉल। हाँ फिनॉल और टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स और अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स और हाँ चलो देन व्हिच आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? जयंत 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 अवेलेबल नहीं है? ज्योति 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 अवेलेबल है? ज्योति ज्योति अवेलेबल है क्या? हाँ सर आवाज। हाँ बताओ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से है? विच आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? चलो सागर, नहीं सागर ने अभी सेकेंडरी बताया था। कीर्ति सर अमाइनो एसिड? नहीं सर। विटामिन? नहीं। लिपिड? नहीं। लिपिड कौन बोला? लिपिड है और यस सर लिपिड। इथेनॉल? बोलो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इथेनॉल सर? हाँ इथेनॉल। नहीं इथेनॉल मेटाबोलाइट का है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, जस्ट मिनट, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्राइमरी, एंड जो भी अभी बताया अल्कलॉइड्स फिनॉल्स टर्पेनॉइड्स स्टेरॉइड और बहुत सारे जो बाकी है ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स से देखना है तो आई कैन गिव यू लिस्ट ऑफ प्लांट्स वेयर दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर अवेलेबल। तो
इसमें सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूटिलिटी है, तो मुझे इसकी डेमोन्स्ट्रेट करना है। मैं ये प्रैक्टिकल भी कंडक्ट ऑनलाइन कर सकता हूँ, जस्ट मिनट, दो मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, दो मिनट सिर्फ, जस्ट मिनट। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हम बात कर रहे थे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन टैक्सोनॉमी ऑफ सम एप्रोप्रिएट जनरा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से प्लांट में है, इनकी लिस्ट, और ये मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल में ही दिखा दूंगा, इसमें सिर्फ लिस्ट बनाना है। उसके बाद सेवंथ है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ जीनस एंड डिफरेंट जनरा ऑफ फैमिली। इसके पहले हमने क्या किया था, देखो प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ जीनस लोकेशन ऑफ की कैरेक्टर के लिए किया था। सेम आपको यहाँ करना है, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ जीनस एंड डिफरेंट जनरा ऑफ सेम फैमिली टू कैलकुलेट सिमिलैरिटी कोएफिशिएंट एंड प्रिपरेशन ऑफ डेंड्रोग्राम। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो आपके क्लास से, समझ लो मैंने जयंत और अपना अनिकेत को लिया और फर्स्ट ईयर से और दो कोई लड़के लिए, तो क्या ये एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चे हैं? यस सर। वैसे एक ही फैमिली के अलग अलग जीनस आपको लेना है, और इन जो भी आप अलग अलग प्लांट्स लेंगे एक ही फैमिली के, उनमें से आपको सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटी निकालना है। अरे बात ध्यान में, तो उसके लिए भी हम कौन से 4 प्लांट लेने वाले हैं उसके बारे में नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। और आखिरी वाला प्रैक्टिकल है आपका प्रोग्रामिंग डेल्टा ऑफ एटलीस्ट 20 प्लांट स्पेसीज।
Remember, programming Delta is just a computerized software where computer is used for identification of plant on basis of certain characteristic feature. So, इसके बारे में मैं सिर्फ computerized Delta के बारे में अगले जब हम ये practical लेंगे तब उसके बारे में बताएंगे. Let me clear one thing. During all these practicals, मैं आपको entire practical discuss करूंगा. जो भी plant आपको collect करना है, एक दिन पहले आपसे बताऊंगा और simultaneously मैं आपको यहाँ से plant दिखा दूंगा. और साथ साथ मैंने जो आप लोगों से नीचे जो फ्लोरा दिए इसमें से फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम ये दोनों भी आपके लिए बहुत जरूरी है. फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया या फ्लोरा प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे ये जो है ये दोनों फ्लोरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुक का फ्लोरा है. तो दीज फ्लोरा आर इम्पोर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपके आधे प्रैक्टिकल जो है वो फ्लोरा से रिलेटेड है. चलो हम नेक्स्ट और एक बात बताते. क्या आप लोगों के पास मैंने और एक डॉक्यूमेंट जो कल दिया था वो है अवेलेबल है? ये सेमिस्टर थ्री प्रैक्टिकल करके मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था शायद. हाँ यस ये ओपन हो रहा है. हो गया ओपन. यस सर. हाँ तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपका प्रैक्टिकल जो है इसमें से 3P1 दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिकल विच इंक्लूड्स प्लांट इकोलॉजी कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड एडजोस फॉर 2. ओके अब मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिकल के यहाँ बताता सो दैट इट इज इजी. हम प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देंगे ये थोड़ी बात की बात है लेकिन वी शुड हैव आइडिया. सो इट इज अ प्रैक्टिकल ऑफ 6 आवर एंड फुल मार्क्स 100. अब मैं आखिरी से शुरू करता हूँ. आखिरी वाला क्वेश्चन जो है प्लांट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का है. जस्ट मिनट. क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर. तो आखिरी वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का है. मुझे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब आपसे क्या ये है मैं बताता हूं. कम से कम 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको बनाना है. डिस्क्रिप्शन मैं आपको सेंड कर दूंगा वही आपके नोटबुक पर लिखना है और डायग्राम बनाना है 5 फैमिली के. साथ साथ मैं डायग्राम भी आपको दे रहा हूँ आज ही दे रहा हूँ. इज इट क्लियर? यस सर. अगर अलग पेजेस पे या नोटबुक पर आपको 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन बनाना है उसके साथ साथ उनके फोटोग्राफ्स भी मतलब लाइन डायग्राम्स भी बनाना है और मैंने आपको बताया था अपने सराउंडिंग में जो प्लांट्स अवेलेबल है उसकी फील्ड डायरी बनाना. फील्ड डायरी के डिटेल्स मैं आपको आज पोस्ट करता हूँ. उसी पेजेस पर 5 फैमिली के बाद में या पहले आपको 10 प्लांट का डिस्क्रिप्शन बनाना है. दिस इज योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड. आ रहा है ध्यान में? यस सर. यस सर. वैसे ही हो सकता है आपके इकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स है इसमें से आपको शायद इकोलॉजी का प्रैक्टिकल कौन लेता है? बोरकर मैडम. यस सर. तो yes, sir. वर्कर मैडम भी आपको यहाँ से कुछ बताएगी वो भी उसी नोटबुक में लिख के आपको ये हो जाएगा आपका फाइनल वाला प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जिसमें से आप वर्कर मैडम ने बताया हुआ और मैंने जो 5 फैमिली और 10 प्लांट का फील्ड नोटबुक ये आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो गया. क्लियर है आपको? यस सर. ये आप लोगों को सबमिट करना है नेक्स्ट 13 तारीख के पहले 13 या 13 के पहले. ठीक है? ओके सर. यस. 13 या 13 तारीख के पहले आपको ये सबमिट करना है. कौन सा? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड विच इंक्लूड्स डायग्राम्स और व्हाटएवर टोल्ड टू यू बाय डॉक्टर बोरकर मैडम देन डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 फैमिलीज एंड 10 प्लांट्स फ्रॉम सराउंडिंग दैट इज फील्ड नोटबुक. क्वाइवा हो उसका कोई इश्यू नहीं है. जो भी आप इस हफ्ते में पढ़ेंगे उसके आधार पर और जो आप प्रैक्टिकल में उस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन करेंगे उसके आधार पर आपकी वाइवा होगी. स्पॉटिंग में सेम थिंग कुछ टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन और कुछ इकोलॉजी के आपको स्पॉट दिए जाएंगे. उन स्पॉट्स के बारे में आपको उसी दिन वहीं पे अपने घर में बैठ के लिखना है और उसको सेंड करना है. स्पॉटिंग का क्वेश्चन जो है उसका मैं गूगल फॉर्म बना के भेज दूंगा और उसी गूगल फॉर्म को एग्जाम के दिन आपको
डिस्क्रिप्शन लिख के वापस करना है. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. इसके डिटेल्स में बाकी बाद में आपको बता देता, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपका स्पॉटिंग का अलग से गूगल फॉर्म बनाया जाएगा और वो आपको भेजना है. मतलब आपको भेजने की दो चीजें हैं, सैटरडे के पहले प्रैक्टिकल रिकॉर्ड यानी 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन, इकोलॉजी का जो बोलकर मैडम देंगे वो, और 5-10 प्लांट का सराउंडिंग की फील्ड नोटबुक. चलो, और प्रैक्टिकल के दिन आपको स्पॉटिंग के गूगल फॉर्म बना के भेजेंगे, उसको देना है. उसके बाद अब क्वेश्चन बचते 4 और 5. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये टैक्सोनॉमी के है. आ रहे ध्यान में? यस सर. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेक्निकल लैंग्वेज में फैमिली का डिस्क्रिप्शन लिखना है. जो फैमिली का डिस्क्रिप्शन आप 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उसमें से आज जो आपने मुझे लिस्ट दी है, लिस्ट बताई, वही उसी फैमिली को आपको घर में डिसेक्ट करके जैसे भी नीडल्स है ऑब्जर्व करके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर लिख के गूगल फॉर्म में ही बना के उसी दिन आपको भेजना है. मैं इसकी भी लिंक आपको गूगल फॉर्म की एग्जाम में दूंगा. उसके बाद देखो, टू सॉल्व द गिवन स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, सेम स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. गूगल फॉर्म में ही आपको ये दिया जाएगा और वो करना है, वो प्रैक्टिकल के दिन का है. गूगल फॉर्म में स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम कौन सा लेना है, क्या लेना है, इसके बारे में बोलकर मैडम आपसे बात करेंगे. ठीक है? Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 1 का भी सेम है. मतलब आउट ऑफ दिस प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चंस के बारे में क्या करना है बोलकर मैडम आपसे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम अभी इसी वीक में कंप्लीट करके, मैंने अभी डिस्क्राइब किया, लास्ट जो सैटरडे या फ्राइडे को अपना जो लास्ट लेक्चर है उस टाइम हम एग्जाम के डिटेल्स देखेंगे. स्पॉटिंग और वाइवा के बारे में आपको बताया है मैंने, वाइवा हो उसी दिन होगी. और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है उसमें मैडम ने बताए हुए डायग्राम, मैंने बताए हुए 5 फैमिली और 10 प्लांट का फील्ड रिकॉर्ड, ये आपको अगले सैटरडे के पहले मुझे भेजना है. क्लियर है? ओके. अभी एक काम करते, अभी करीबन 5 मिनट है अपने पास. पहला कौन है? ज्योति. अभी आप ज्योति थोड़ा वीडियो ऑन कर दो और बता दो आपको प्रैक्टिकल के बारे में ध्यान में आया, आपको क्या प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन करके बताना है. यस सर. प्रैक्टिकल के बारे में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जैसे अब तक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रिकॉर्ड्स बनाते थे सर, वही बनाना पड़ेगा? नहीं, सिंपल सिंपल छोटे नोटबुक पर या छोटे पेजेस पर आपको बोलकर मैडम जो देंगे वो डायग्राम और स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम लिखना है. हार्डली नॉट मोर देन 5 पेजेस. 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी को लिखना है और उसी के डायग्राम. ज्योति आप सुन रहे? यस सर. यस सर. वीडियो ऑन रखो. यस सर. आप सभी को आप सुनो पहले, मैं हर एक को पूछ रहा हूँ. तो आपको इतना ही बनाना है अलग अलग पेजेस पर और उसको पीडीएफ करके अगले सैटरडे के पहले भेजना है, नहीं तो संडे मैक्सिमम. बाकी आपको अलग से रिकॉर्ड बनाना नहीं है. ठीक है? और जो प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल है उसके बारे में हम अगले हफ्ते में बात करने वाले हैं. और कुछ प्रॉब्लम है? सर, जो कल हमने आपको पूछा था, एक्चुअली वो मराठी में था सारा नोटिफिकेशन, तो आधा समझा ही नहीं. कौन सा? सर, जो विंटर एग्जामिनेशन के लिए है. अच्छा, विंटर एग्जामिनेशन का जो है वो, विंटर एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इतना ध्यान में रखो कि विंटर एग्जामिनेशन का आपका शेड्यूल अगले मंडे से हो रहा है और 20 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं. ठीक है? और अभी मेरे ध्यान में नहीं है, 20 तारीख के बाद में आपकी थ्योरी होने वाली है. थ्योरी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगी, कॉलेज लेवल पर होने वाले नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर एमएससी बॉटनी के लिए 100 से ऊपर स्टूडेंट है, ऐसा मेरा अभी तक का कहना है. बाकी जो डिटेल्स है, जैसे
आएंगे अपने पास, वैसे आप लोगों को पता दिए जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कंसिडर कर लो कि आपको 40 या 80 क्वेश्चन पर पेपर देना है। मल्टीपल चॉइस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैच द पेयर्स होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जितने क्वेश्चन है उतने सभी अटेम्प्ट करना है। Yes, sir. बाकी जो आपने ये दिया होगा, क्या सेमिनार दिया होगा या बाकी और कुछ किया होगा, उसके उसके मार्क्स कॉलेज अलग से भेजेगा। तो हम 20 तारीख के पहले प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे और थ्योरी के बारे में उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको चार प्रैक्टिकल की मतलब दो प्रैक्टिकल की तैयारी करना है। तो अगले हफ्ते का पूरा पीरियड सभी लोग प्रैक्टिकल के लिए यूटिलाइज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, नो इश्यू, इजीली देखेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सीखना चाहिए इस हफ्ते में। ओके, नेक्स्ट सागर, सागर वीडियो ऑन करो। सागर कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। हाँ, बात समझ में आ गई आपकी? यस सर। ओके, नेक्स्ट सुहाना, सुहाना वीडियो ऑन करो। सुहाना, सुहाना वीडियो ऑन कर रही? हेलो, शायद सुहाना सुन रही नहीं। मुस्कान, मुस्कान yes, sir. हाँ बताओ सुहाना। हेलो सुहाना, आपको कोई प्रॉब्लम है? हेलो सुहाना, चलो मुस्कान। यस सर। आपको कोई प्रॉब्लम है? सर अभी नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन जस्ट राइट ए पोस्ट ऑन अवर व्हाट्सएप एंड गो थ्रू ऑल अवेलेबल मटेरियल ऑन अवर क्लासरूम। चलो आजरा। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। तेजस्विनी, थिंग्स आर क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। अगर आया तो आप कभी भी मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अश्विनी? यस सर। इज इट क्लियर? जो भी आज डिस्कशन हुआ क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। लेकिन ये चीजें जो मैंने बताई वो सिर्फ मेरे प्रैक्टिकल के बारे में है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल्स। यस सर। ओके, हर्षा? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। साक्षी? यस सर। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, देन साक्षी के बाद में सोनल। यस सर। सोनल, अपनी थ्योरी पूरी हो गई पेपर थ्री की? हाँ सर। की टैक्सोनॉमी की पढ़ रहे कि नहीं? पढ़ रहे क्या नहीं सोनल? पढ़ रहे हो सर? पढ़ रहे साइमल्टेनियसली? हाँ सर। साइमल्टेनियसली वो भी शुरू रखो, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर मैसेज डालो। मोहिनी? यस सर। कोई इश्यू है? नो सर। मोहिनी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। गोंदिया से? ठीक है, तो अभी क्लासेस अटेंड करना अगले हफ्ते के बहुत जरूरी है। श्वेता, श्वेता नगराए, श्वेता कोई प्रॉब्लम है? चलो काजल, काजल ओके ओके, काजल यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो नहीं है, ठीक है। मीनल? यस सर। मीनल कहाँ से बात कर रहे हैं? सर भंडारा। भंडारा, चलो कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, सभी बातें ध्यान में आ रही? यस सर। रुचिका? यस सर। रुचिका थोड़ा वीडियो ऑन कर लो, मेरे ध्यान में भी नहीं है कौन रुचिका है। वीडियो ऑन करो, कर सकती? यस सर। हाँ रुचिका, मैंने
ओके ओके रुचिका वासनिक, ठीक है। बाकी तो सर आपको कोई प्रॉब्लम है? सर जो प्रैक्टिकल का ई कॉपी बनानी है वो नेक्स्ट सैटरडे के पहले कॉलेज में सबमिट करना है? कॉलेज में सबमिट करना नहीं है, क्लासरूम पे ही सेंड करना। अच्छा सर, फोटोज निकाल के पीडीएफ बना के? हाँ, पीडीएफ बना के सेंड करना है। कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी सबमिशन के लिए ना किसी एग्जाम के लिए, क्योंकि फिलहाल कोरोना के बारे में इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। ऐसे हालात में हम सिर्फ ऑनलाइन ही अगर जुड़े रहे तो अच्छा है। ओके सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? जयंत नहीं दिखा कहीं? जयंत? जयंत? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है बाबा? फिलहाल तो इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर बहुत। उसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आज जो बताया वो समझ में तो आ गया? हाँ सर, आवाज अटक रही थी तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, तो मैं पूछ लूंगा बाकी। हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और क्लासरूम पर जो जो चीजें अभी डालूंगा वो ध्यान में रखो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि मंडे को आपको प्लांट लाना है एक हिबिस्कस का, राइट? हाँ सर, हिबिस्कस। हिबिस्कस, कोरिएंडर और ट्राइडेक्स, ये प्लांट कम से कम, और जो आप लोगों ने आज प्लांट बताए वो सभी लाके रखो, ताकि हम मंडे को वही फैमिली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, और मंडे ऑनवर्ड जो आप क्लासेस के लिए रहेंगे तो कम से कम एक पेंसिल और अपनी नोटबुक ये साथ में रखो। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज एक्चुअली डिपार्टमेंट की मीटिंग शुरू थी 10 बजे से, मेरे ध्यान में नहीं रहा, मुझे लगा 11:30 बजे अपना क्लास है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मुझे यही चीजें आज डिस्कस करना था। कुछ बुक्स है जो आपके पास रहना जरूरी है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऑनलाइन जो भी आपको प्रोवाइड कर सकते उसको देंगे। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, क्या आपको ये बुक दिख रहा है? हाँ सर। इसकी कॉपी अगर आपके पास है तो वो देख लो, नहीं तो इसमें से जो जरूरी है मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। दूसरा बुक मैंने आपको बताया था, ये भी शायद आप लोगों के पास हो सकता है, नहीं तो लाइब्रेरी में, नहीं तो जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ। उसके साथ साथ मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल के लिए आपको जो जरूरी है वो एक फ्लोरा मेरे हिसाब से बहुत जरूरी रहता है, दैट इज फ्लोरा कोलापुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये आपके पास कॉपी या ई कॉपी अवेलेबल होने के चांसेस निग्लिजिबल है, लेकिन इसका जो मैटर जरूरी है वो मैटर मैं आपको कॉपी बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो विथ दिस आई कंक्लूड फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू रिमेन प्रेजेंट फॉर ऑल द क्लासेस ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है? और अगर मुझे कभी दोपहर 2 बजे के बाद में लेक्चर रखना है तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलो लेफ्ट कर दो।